हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास ऑन कॉम्प्रिहेंशन क्राफ्ट। और आज हम वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वोकैबुलरी को अगर फाइनल टचेस देना चाहते हो और चाहे यू वांट टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट तुम वोकैबुलरी को जितनी तुम्हें आती है, बेसिकली व्हाटएवर योर वोकैबुलरी इज, उसको फाइनल फिनिशिंग टचेस दैट यू रियली अंडरस्टैंड कि उनको किस तरह से यूज किया जाना चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, एंड दैट बेसिकली अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन टू योर कॉम्प्रीहेंडिंग द सेंटेंसेस बेटर। तुमको ये भी समझ में आता है कि कई वर्ड्स अपने एक्चुअल नेचर से काफी डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं, उनके आसपास क्या लगता है, उनके दूसरे वर्ड्स के साथ क्या कॉलोकेशंस बनते हैं, इवेंचुअली कौन सा इडियम फॉर्म होता है और उससे मीनिंग क्या निकल के आता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो वर्ड यूजेज बहुत अच्छा क्वेश्चन टाइप है, एंड इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इसके इस क्वेश्चन टाइप की डिटेल्स मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट उससे पहले आई हैव अ कपल ऑफ मैसेजेस फॉर यू। अगर टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, सो दैट यू गेट अ प्लेस वे यू कैन डाउनलोड योर क्लासरूम एंड होमवर्क नोट्स फ्रॉम, एंड उसके अलावा यू विल गेट अ प्लेस जहाँ पे तुमको तुम्हारी स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल भी पता चलता रहेगा। सर, वोकैबुलरी द हिंदू से बेटर होगी? सुनीता बिल्कुल हो जाएगी अगर आप उसको उस तरह से ट्रीट करते हुए, उतना ज़्यादा अगर डिसिप्लिन है तुम में कि तुम डेली बेसिस के ऊपर हिंदू पढ़ो और उसके अंदर से वोकैबुलरी को एक्सट्रैक्ट करो, उसके मीनिंग्स देखो, उसके सेंटेंसेस बना के उसको कहीं पर रिकॉर्ड करो, तो तुम्हें डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा एक्टिविटी में, जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी सारा डिसिप्लिन लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑन योर पार्ट टू बी एबल टू डू दैट डे इन एंड डे आउट एवरी सिंगल डे फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर तुम कर सकते हो तो बिल्कुल, इससे इसमें कोई डाउट नहीं है कि द हिंदू कैन बिकम अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ योर वोकैबुलरी। प्लीज टेल बुक फॉर आरसी फॉर क्लैट। ओके सुनीता, द प्रॉब्लम इज कि आरसी स्पेसिफिकली क्लैट के लिए, आरसी के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पब्लिकेशन अभी तक मैंने मार्केट में नहीं देखे हैं, टू रियली टेल यू द ट्रूथ। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम अपने लेवल को अप कर सकते हो बाय डूइंग अ लॉट ऑफ जीआरई एंड जीमैट आरसीज। जीआरई एंड जीमैट के आरसीज लैंग्वेज वाइज, सब्जेक्ट मैटर वाइज बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज वाइज दे आर स्टिल वेरी क्लोज टू वॉट यू गेट इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन क्लैट। इसके अलावा क्वेश्चन भी जो होते हैं जीआरई जीमैट के, वो थोड़े से डिफिकल्ट ज्यादा होते हैं, थोड़े से ज्यादा इन्फरेंशियल होते हैं, लेकिन दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो तुम ईजी करना डेफिनेटली सीख जाओगे। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्रॉब्ली अवेल ऑफ। सो जीमैट जीआरई से रिलेटेड जो भी पब्लिकेशन तुमको मिलते हैं उससे रिलेटेड तुम आरसी सॉल्व कर सकते हो। Alright, so YouTube के ऊपर we've been having sessions and you know why they are so flexible, so compatible to your requirements. अगर तुमने स्पेशल क्लास का कॉन्सेप्ट अगर तुमने एक्सपीरियंस किया है, मतलब तुमने अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर कभी कोई स्पेशल क्लास ली है, तो तुमको पता होगा यही फीचर्स इन्हांस होके और बेटर हो जाते हैं। मतलब कि इंटरेक्शन फैकल्टी से एडुकेटर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा इलेबरेट हो सकता है, तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होती। इवन फॉर अ फैकल्टी, यूट्यूब के ऊपर सेशन डालने का मतलब होता है यू हैव टू काइंड ऑफ केटर टू ऑल द काइंड ऑफ लर्नर्स, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पकड़ के चलना पड़ता है बिकॉज नोबडी इज लेफ्ट आउट। लेकिन इन अ क्लास में क्लास टू क्लास बेसिक्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना कंटेंट रिले कर सकता हूँ, उसको डिजाइन कर सकता हूँ, एंड आई कैन हेल्प द स्पेसिफिक क्लास को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने में। इसके अलावा आई कैन नो द ओपिनियन ऑफ द जनरल क्लास ताकि मैं अपने अगेन क्लास का डायरेक्शन और कौन सी चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। सो स्पेशल क्लास इज अ ग्रेट फीचर। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने स्पेशल क्लास अभी तक एक्सपीरियंस कर ली होगी। सो इफ यू ऑलरेडी डन दैट, सब्सक्रिप्शन लेने का चांस प्रॉबेबली अब आ गया है, एंड उसके लिए मैं तुमको बताना चाहता हूं, फॉर एज फार एज द सब्सक्रिप्शन गो यू हैव अनदर ऑप्शन नाउ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। सीनियर यू प्रॉब्ली हैव टू गो टू अ स्टेशनरी मार्केट, जाओ बुक स्टोर जाओ एंड उससे बोलो कि मुझे जीमैट और जीआरई से रिलेटेड आरसीज की जो किताब होती है वो दे दो। सो यू विल प्रॉब्ली हैव टू लुक थ्रू कि तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी बुक में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक हो सकती है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स ट्रीट किए गए, एक किताब हो सकती है जिसमें सिर्फ आरसीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन ऑफ जीआरई कॉन्सेंट्रेट किया गया है। उन सेंटेंसेस को, उन इन पब्लिकेशंस को यू कैन बाय एंड यू कैन सॉल्व दी आरसीज। वेब के ऊपर भी अगर तुम्हारी गूगलिंग स्किल्स अच्छी हैं तो तुमको काफी सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई डोंट नो अबाउट जीआरई एंड जीमैट से रिलेटेड तुमको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर तुम्हें रेडी आरसीज मिलेंगे विद सॉल्यूशंस एंड आंसर्स। सो तुम्हारी गूगलिंग टेक्निक्स के ऊपर है, प्रॉब्ली गूगल के ऊपर डालो जीआरई आरसीज, जीमैट आरसीज एंड देन बिगिन फ्रॉम देयर। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यूज करने की कोशिश करना, प्लीज प्लेजरिज्म से बचने की कोशिश करना, कॉपी राइटिंग से बचने की कोशिश करना, एंड एटलीस्ट ट्राई टू प्लीज पे अ लिटिल टू दोज पीपल जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। आई होप दिस सील्स द मैसेज। ओके, तो मैं तुम्हें क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। दैट इज
ये क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम और कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम जहाँ पे यू गेट इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम योर एडुकेटर्स। तुम द एडुकेटर इज गोइंग टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू, तुम्हारा को शेड्यूल बनवाएंगे, तुमको आगे पीछे से क्या बोलते हैं मैं मदद करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तुम्हारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट्स लाइक जो क्लासरूम के अंदर जो चीज़ जो जो नेचर ऑफ क्लासरूम हम मिस कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देगा ये। सो दीज आर द डिटेल्स। अगर इफ यू गो फॉर अ 3 month प्रोग्राम यू गेट 18 सेशंस, इफ यू गो फॉर अ 6 month प्रोग्राम यू गेट 36 सेशंस। एंड इसके ऊपर सबसे चेरी ऑन द केक इज, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, दैट इज ऑन द लेफ्ट यू हैव द प्लस, सॉरी यू हैव द आइकॉनिक प्रोग्राम, ऑन द राइट यू हैव द प्लस प्रोग्राम। तुम देख रहे होगे आइकॉनिक थोड़ा सा महंगा है, बट दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज क्योंकि तुम्हें एडुकेटर से इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जो भी सब्सक्रिप्शन पैकेज ले रहे हो कवर टू मेक श्योर दैट इट कवर्स यू टिल द एंड, मतलब 4 महीने एग्जामिनेशन में बचे हैं तो गो फॉर द 4 month प्रोग्राम इन वन सिंगल गो। प्लीज ऐसा मत करना कि एक एक मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदो, यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट जस्ट मेक्स मी अ लॉट स्ट्रेस्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। नेटफ्लिक्स टाइप मत करना, एक एक महीने में एक बार मत खरीदना, उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा तुम्हारा। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेसिक डिमार्केशन, ये चार्ट बनाने का मतलब ही यही था दैट तुम जितना ज्यादा बड़े प्रोग्राम को लोगे तुम्हारा उतना मंथली जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज 27 जनवरी 12 बजे से पहले इफ यू बाय अ सब्सक्रिप्शन पैकेज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदोगे तो तुम्हें 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके ऊपर से अगर इफ यू यूज माई कोड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उससे, सो दैट मेक्स इट इवन मोर चीप। सो इफ यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड गाइज और अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो आज रात 12 बजे से पहले गो हैड एंड बाई योर सब्सक्रिप्शन पैकेज, बिकॉज ये सारे के सारे एडवांटेजेस कल से खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी जो प्राइसेज मैंने तुमको बताए थे इवन विदाउट द डिस्काउंट एंड इवन विदाउट द 27 जनवरी का जो स्पेशल ऑफर है, उसके अलावा भी जो रेगुलर प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे 1 फेब से। सो अगर अभी तक तुमने अपना ऑलरेडी मेड अप योर माइंड के सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना है सो प्लीज गो अहेड एंड बाय द सब्सक्रिप्शन पैकेज नाउ बिफोर द 1st ऑफ, एंड बेटर स्टिल आज ही खरीद लो 27th ऑफ जान, और अगर नहीं तो इस लाइक फेब स्टार्ट होने से पहले पहले ये सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद लेना। नितांत अग्रवाल एक ही वॉचिंग है, रहने दो। नितिन आई थिंक आई वुड कंटिन्यू, डोंट वरी अबाउट इट, नेवर माइंड, आई डोंट थिंक कि आई वुड रिक्वायर एडवाइस फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी तुम्हारे पास इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज गो अहेड एंड फाइंड दिस दिस दीज नंबर्स ऑन मंडे टू सैटरडे से इनको इनके बीच में कॉल कर सकते हो तुम। 8446723292 इस नंबर पे कॉल करो और कोई भी डाउट है तो यू कैन गेट दैट रिजॉल्व्ड। एंड अगेन आई जस्ट टोल्ड यू 27 जनवरी है, अगर तुम स्पेशल फीचर्स को बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हो तो आई थिंक टुडे इज द टाइम, नहीं तो 1 फेब से पहले पहले मेक अप योर माइंड एंड गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन पैकेज। ऑलराइट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं बताता चलूं, ऑल इंडिया मेगा क्लैट मॉक टेस्ट इज ऑन 30th ऑफ जान। प्लीज इस तरह के किसी भी टेस्ट को भूलना मत, इनको किसी भी टाइम पे इग्नोर मत करना बिकॉज दीज टेस्ट आर समथिंग दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ योर एफर्ट ऑन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन अगर प्रिपरेशन नहीं भी है तो भी इन टेस्ट में बैठना बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन बैंक दैट यूर गेटिंग। सो ये जो क्वेश्चन बैंक तुमको मिलेगा दैट इफ यू स्टडी दैट, मैं कई बार बता चुका हूँ जो मॉक्स हैं अपने आप में वो अपना एक कोर्स मटेरियल होते हैं। सो इफ यू लाइक इफ यू यूजिंग मॉक्स जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर मॉक्स। सिर्फ 20% या 10% उनका यूजेज कर रहे हो, उसके आगे बहुत सारा कुछ उसके अंदर वैल्यू दैट यू कैन गेट। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन स्किल पोदार, गो अहेड एंड वॉच माई वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड उसमें मैंने काफी इलेबोरेटली डिस्कस किया है। अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग अ कोर्स फ्रॉम टुमारो 20th ऑफ जनवरी शाम को रात 8 बजे से, वी विल बी स्टार्टिंग अ क्विज ऑन एंड अ कोर्स, स्पेशल कोर्स ऑन दैट जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग दिस। ऑलराइट गाइस, सो आज आई होप दिस वाज हेल्पफुल। जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं, दैट इज वर्ड यूजेज। अब वर्ड यूजेज का सबसे पहले एक बार क्वेश्चन दिखा दूं तुमको, टिपिकली क्वेश्चन कैसा होता है, देन प्रोबेबली वी विल बी एबल टू डिस्कस बेटर कि हम इसमें क्या करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, हाँ।
ओके, सो हियर इज द टिपिकल क्वेश्चन जो कि तुम्हें जब तुम वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हो तो दिस इज हाउ इट शोज. आई होप दिस इज विजिबल. आई थिंक आई होप दिस इज यू आर एबल टू सी दिस. आई वाज ऑन ऑल फोर सर्चिंग फॉर द लॉस्ट ईयर रिंग. सेकेंड सेंटेंस, शी इज ऑल एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द सेम रिजर्व. द स्कोर वॉज 6-all. आवर हॉलीडे केम टू एन एंड ऑल दिस सून. अल्टीमेटली एक वर्ड है, बहुत सिंपल सा वर्ड है ऑल. एंड सब प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर सिंपल वर्ड्स जो होते हैं वही प्रॉब्लमेटिक होते हैं. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सिंपल, कभी डिक्शनरी उठा के ऑल का मीनिंग देखना, यू विल फाइंड दैट लाइक एटलीस्ट 15-20 डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स दैट दिस वर्ड कैन टेक. एंड इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा ट्रिक करते हैं उसे. तो मैं बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, द मेथडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्लैटर के अंदर नहीं आता है, लेकिन वोकैबुलरी के यूजेज को सील करने के लिए, दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड आर एबल टू यूज दैट वर्ड, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वोकैबुलरी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट काइंड ऑफ इनकलकेट्स दैट हैबिट इन यू कि डिक्शनरी खोल के देखते हो तुम, जिसमें विच इज बेसिकली नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून, क्योंकि डिक्शनरी खोलने से समय बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं. बट दिस क्वेश्चन विल गिव यू अ चांस एंड मोटिवेशन के तुम डिक्शनरीज देख सको. अब यहाँ पे टिपिकली अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें समझाना चाहूँ तो एक वर्ड दिया है ऑल, व्हिच हैज बीन कॉमनली यूज्ड इन ऑल द सेंटेंसेस. एंड मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन से यूजेज, कौन से सेंटेंस में वो ऑल जो है वो सही से यूज नहीं हुआ है. इन विच ऑफ द सेंटेंसेज ऑल हैज नॉट बीन अप्रोप्रिएटली यूज. सो आई वॉज ऑन ऑल फोर्स. ऑल फोर्स अगेन इज एन इडियम, इसका मतलब होता है चारों पैरों पे, लाइक एन एनिमल. सर्चिंग फॉर द लॉस्ट ईयरिंग, दिस इज करेक्ट यूजेज. शी इज ऑल एक्साइटेड का मतलब यह होता है शी इज ऑल लाइक कंप्लीटली एक्साइटेड, टोटली एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड. अगेन द वर्ड यूजेज हियर इज करेक्ट. द स्कोर वॉज 6-all. 6-all का मतलब होता है दोनों साइड मैच खेल रहे हो तुम, क्रिकेट का मैच खेल रहे हो शायद, या फिर तुम फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, तुम टेनिस का मैच खेल रहे हो. जब स्कोर्स लेवल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं दोनों टीम के सारे साइड्स के, तो यू से लव ऑल या 6-all या 10-all, मतलब दोनों का स्कोर 10 है. ऑल राइट, सो इवन दिस इज करेक्ट यूजेज. आर हॉलीडे केम टू एन एंड ऑल द सून. ऑल द सून इज इन इनकरेक्ट इडियम. यहाँ पे द नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे टू लगना चाहिए था. तुम बोलोगे लेकिन ये ऑल तो सही यूज हुआ है. नहीं, ऑल जो इडियम है वो इस तरह के, सॉरी ऑल जो वर्ड है वो ऑल टू सून इडियम में तो अपने आप को इट काइंड ऑफ गिव्स इटसेल्फ, लेंड्स इटसेल्फ, लेकिन ऑल द सून कोई इडियम नहीं होता है. सो दैट इज द आंसर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर 4, बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर ऑल ढंग से यूज नहीं किया या फिर अप्रोप्रिएटली यूज नहीं किया गया. लेट मी सी कौन क्या बोल रहा है. सर प्लीज आप डेली क्लास लिया कीजिए. सर ओलिट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या. लॉ एंट्रेंस टेस्ट. दिव्यांश, ओएलईटीज, ओके, ओएलईटीज में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन एज इन आरसी में बात कर रहा है क्या दिव्यांश. हाय अन्या, हाय नितांत, हाय राही. ओके, थैंक यू सो मच दिव्यांश, यू एंजॉय टू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप उठाते हैं, राधा नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं. क्वेश्चन टाइप नहीं, क्वेश्चन टाइप यही रहेगा अभी. चलो एंड राही, आई ट्राई माई बेस्ट बडी, लेकिन मुझे बहुत सारा कुछ शेड्यूल करना पड़ता है. एंड क्या बोलते हैं, मुझे स्पेशल क्लासेस वगैरह के साथ भी काइंड ऑफ आई हैव टू लिव, उसके साथ कोर्स है एंड देन आई अदर असाइनमेंट. सो आई ट्राई एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा क्विकली क्विकली मैं क्लासेस ले सकता हूँ मैं लेने की कोशिश करता हूँ. चलो इसका आंसर अब तुम बताओ. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. ऑल टू सून इज द करेक्ट idiom. yes, you want me to tell you ke kaise use hota hai, let just give me a second. bahut zyada jaldi khatam ho gayi chutti, bahut zyada jaldi khatam ho gayi, that is the idiom.
ये लो, आई जस्ट गॉट यू द मीनिंग फ्रॉम द इंटरनेट. टू सून इज द इडियम. टू सून का मतलब हो गया जरूरत. टू जब लगाते हैं एक नेगेटिव कंपोनेंट आ जाता है. ही इज टू गुड. ही इज टू गुड का मतलब है कि एक्चुअली आई डोंट लाइक दैट ही इज गुड. ही इज वेरी गुड. ही इज एक्सेप्शनली गुड. तो तुम ही इज और यू तुम यू आर हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज गुड. बट ही इज टू गुड इज लाइक तुम चाहते हो कि प्रोबेबली ही शुड नॉट हैव बीन दैट गुड. उसको जब और ज्यादा इंटेंसिफायर की तरह यूज किया जाता है, उसको और इंटेंस बनाया जाता है, उसके पहले ऑल लग जाता है. जैसे तुम देख रहे हो थर्ड वाला सेंटेंस देखो, द शो वॉज ओवर ऑल टू सून. आई होप इट इज क्लियर. ओके नेताल, थैंक यू वेरी मच. कौन सा सेंटेंस गलत है? द पेशेंट्स कंडीशन इज स्टेशनरी. कंडीशन स्टेशनरी यानी कि स्टेबल है. हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? ओके लेट मी शो यू क्या बोलते हैं. मैं तुम्हें बताता हूं. स्टेशनरी वर्ड का मीनिंग देखते हैं, जो ओरिजिनल मीनिंग है. राइट, कहाँ गई डिक्शनरी मेरी? ओके, स्टेशनरी, स्टैंडिंग स्टिल, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड, शोइंग लिटिल इफ एनी चेंज. शोइंग लिटिल इफ एनी चेंज, कोई चेंज नहीं. ये वाला मीनिंग स्टिक हो गया. द पेशेंट्स कंडीशन इज स्टेशनरी, यानी कि चेंज नहीं हो रही. जैसी भी है, स्टेबल है, नहीं है, बट इट स्टेशनरी है. बेसिकली नॉट चेंजिंग, आई नॉट इंप्रूविंग, नॉट डिस इंप्रूविंग. ही क्रैश्ड इन टू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी कार एट द स्टॉप स्ट्रीट. ही क्रैश्ड इन टू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी कार. स्टेशनरी कार यहाँ पे हो सकती है ऐसी कार जो मूव नहीं हो रही हो, दैट इज अ स्टेशनरी कार. द पीपल्स नीड स्टेशनरी सच एज पेंसिल्स, रूलर्स एंड एक्सरसाइज बुक. लेकिन ये वाला मीनिंग तो कहीं था ही नहीं. यहां पे स्टैंडिंग स्टिल मीनिंग है, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड मीनिंग है, शोइंग लिटिल इफ एनी चेंज मीनिंग है. लेकिन यहां पे पेंसिल, रबर, पेपर, वो तो दैट्स अ डिफरेंट वर्ड बिकॉज वी नो दिस. हमने ये किया था कंफ्यूजिंग वर्ड्स में. राइट है, पेपर कट टू एन अप्रोप्रिएट साइज फॉर राइटिंग लेटर्स यूजुअली विद मैचिंग ऑनवलोप्स. दिस इज द मीनिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, बट दैट इज अ डिफरेंट वर्ड. दैट इज स्पेल्ड स्टेशनरी विद एन ई. सो द पीपल्स नीड स्टेशनरी इज नॉट करेक्ट वर्ड बिकॉज ये एडजेक्टिव है. You got to ask people, the pupils need stationery what? तब जाके ये कहीं ना कहीं सेंटेंस सही होता. लेकिन यहाँ पे उसको नाउन की तरह यूज किया गया है और वैसे भी मीनिंग भी गलत है. पेंसिल, रूलर्स, एक्सरसाइज बुक्स आर नॉट स्टेशनरी विद एन ए, दे आर स्टेशनरी विद एन ई. ओके, सो देर आर बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल क्रेन्स. एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना, स्टेशनरी एंड मोबाइल क्रेन्स. सो यू हैव स्टेशनरी क्रेन्स एंड यू हैव मोबाइल क्रेन्स. दो तरह की क्रेन्स के बारे में बात की जा रही है. यू नो वॉट क्रेन्स आर लाइक लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, दैट बिग व्हीकल बिल्डिंग साइट के लिए. सो द आंसर इज थ्री इन दिस केस. ओके नितान, नंबर क्वेश्चन का नंबर डाल के बात करेगा ना, तो ज्यादा इजीली हम लोग मैं ज्यादा बेटर रेफर कर पाऊंगा. आई होप इट इज क्लियर. चलो तीसरा क्वेश्चन. अब जल्दी जल्दी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं. तुम अपने बी रेडी विद योर डिक्शनरीज. डिक्शनरी इज द ओनली वे जिससे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि दैट इज द ओनली वे यू कैन एक्चुअली नो समथिंग दैट यू ऑलरेडी डोंट नो. द शॉर्टेस्ट मेथड फॉर नोइंग कि ये वर्ड किस किस तरह से यूज होता है इज अ डिक्शनरी. मैं तुम्हें अभी इस प्रॉबेबली इस वाले क्वेश्चन में वंस यू गिव मी द आंसर टू दिस. क्या हो गया इसको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट, ओके, नहीं फॉरगेट दिस क्वेश्चन, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं है. चलो ये बताओ, आई विल मीट योर बस एट द बस स्टॉप. आई विल मीट योर बस. ही मेट डेथ इन अ कार एक्सीडेंट. These two players met in the final last year.
द कंपनी विल मीट ऑल द एक्सपेंसेस. टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, ये वाला इडियम तुमने सुना होगा. वी विल नॉट बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, वी विल नॉट बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स. ये इडियम काफी वोग में है, काफी यूज होता है, सो दैट इज अ वैलिड यूजेज. दीज टू प्लेयर्स मेट इन द फाइनल्स लास्ट ईयर. अब मेट का मतलब यहाँ पे है दे केम फेस टू फेस एक दूसरे के इन कॉम्पिटिशन. लेट्स ओपन द डिक्शनरी, देखते हैं मीट में क्या मिलता है. मैंने क्या बोला था, जितना सिंपल वर्ड होगा उसके उतने सारे मीनिंग्स होंगे. लेट्स सी, रुको एक मिनट. आर यू एबल टू सी दिस? स्टिल नॉट डन. 10, 11, एटलीस्ट 11, 12, 13 डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग एंड दैट इज वाई यू गेट द आंसर. एक्सीडेंटली बी इन द सेम प्लेस एंड इंटरेक्ट विद समवन, गेट रेडी सोशली और फॉर स्पेसिफिक पर्पज, बी एडजेसेंट और कम टूगेदर, ऑब्टेन समथिंग दैट इज वॉन्टेड, कलेक्ट इन वन प्लेस, गेट टू नो, सी बाय अरेंजमेंट, कंटेंड अगेंस्ट एन ओपोनेंट इन अ स्पोर्ट गेम और बैटल, एक्सपीरियंस एज अ रिएक्शन, अंडर गो और सफर, बी इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद, मेक कॉन्टैक्ट. बताओ ना, इन फोर्थ थर्ड वाले में कोई फिट हो रहा है क्या? वट अबाउट दिस वन, कंटेंड अगेंस्ट एन ओपोनेंट इन अ स्पोर्ट गेम और बैटल. ओके, सो दैट इज वैलिड यूजेज. आई थिंक आई विल टेक दिस एज करेक्ट. ही मेट डेथ इन अ कार एक्सीडेंट. वट अबाउट दिस? ओके, आई विल मीट योर बस स्टॉप, बस एट द बस स्टॉप, ये वाला यूजेज भी था, डू यू रिमेंबर? गेट टुगेदर सोशली और स्पेसिफिक पर्पस, बी एडजेसेंट, कम टुगेदर, ऑब्टेन समथिंग, कलेक्ट इन वन प्लेस, गेट टू नो, सी बाय अरेंजमेंट, बी प्रेजेंट एट द अराइवल ऑफ. कैन वी मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन, या फिर कैन यू मीट द स्टेशन, कैन यू मीट मी मीट द बस एट द बस स्टेशन, चाहे बस हो, इट्स बेसिकली टाइम की बात हो रही है. वहां पे जितने बजे बस आती है वहां पे आई विल बी प्रेजेंट. सो उस केस में भी वो यूज होता है. सो इवन वन इज अ वैलिड यूजेज. वट अबाउट टू? ही मेट डेथ इन अ कार एक्सीडेंट. ही मेट हिज डेथ बोलना चाहिए था मुझे. ही, और उसके लिए इडियम इडियम ढूंढ के लेके आऊंगा मैं. मुझे क्या हुआ, लेट्स, मुझे क्योंकि डिक्शनरी में मीनिंग कहीं पे मिला नहीं था. एक्सीडेंटली बी इन द सेम प्लेस इंटरेक्ट विद समवन, गेट रेडी सोशली वगैरह वगैरह, एडजेसेंट कम टुगेदर, गेट टू नो अक्वेंटेड, सी बाय अरेंजमेंट, कंटेंट, एक्सपीरियंस एज अ रिएक्शन, अंडर गो और सफर, मीट अ वायलेंट डेथ. या तो मुझे आइदर मैं ये वाला इडियम यूज करूंगा एंड टू मीट अ वायलेंट डेथ, डेथ की मुझे कोई प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, या मैं जो इडियम वहां पे यूज कर रहा हूँ उसको आई कैन यूज इट इन द वे जहां पे मीट हिज डेथ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑल राइट, लुक एट दिस. ये दोनों इडियम मीट वंस डेथ, देख रहे हो, वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन दैट इडियम. एंड यहां पे मीट वंस एंड, यहां पे भी वन खुद का, उस इंसान की डेथ हो सकती है. डेथ जनरल में कोई पर्सनालिटी नहीं है कि तुम उससे रस्ते में मिल गए. इट्स नॉट द प्रेसिडेंट और योर नॉट नॉट द योर नेक्स्ट डोर नेबर. सो यहाँ पे दी मीट वंस डेथ इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग दैट इडियम, और मीट्स मीट वंस एंड इज ऑल्सो द यूजेज. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर टू, विच इज नॉट बीन यूज प्रॉपरली. नो, इट्स नॉट दिव्यज. Just give me a second. You might have a point, Divya. Just let me check.
दिव्यांश, मैंने कहीं भी ये इडियम पहले पढ़ा था, सो हियर हियर इट इज फॉर यू। आई होप इट्स क्लियर। गाइज, ऑल राइट, नेवर माइंड। यस, सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, अब ध्यान ये रखना कि सीज सिर्फ सीज नहीं है, इट्स एक्चुअल इज सीज अपॉन, सीज कंट्रोल, सीज अपॉन एंड सीज अप। इनकी मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं एक बार डिक्शनरी में, नॉट जस्ट द वर्ड सीज, एक बार सीज भी देख लेते हैं। देखो, तुम क्वेश्चन का सॉल्व करके अपने आप को टेस्ट मत करो, सिर्फ देखो अगेन कितने सारे मीनिंग्स, जितना ज्यादा सिंपल वर्ड होते हैं उतने ज्यादा उसके मीनिंग्स होते हैं। कभी गो, कम, टेक, ब्रिंग, इन सब के, इन, ऑन के मीनिंग देखने की कोशिश करना डिक्शनरी में। जस्ट लेट मी एक मिनट गिव इस एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, सिर्फ दिखाने के लिए। सो इट हैज वर्ब मीनिंग्स कितने हैं देख पा रहे हो? आर यू काउंटिंग? राइट, सो इनमें, इन क्वेश्चंस में प्रे करना कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। वैसे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, लेकिन अगर फॉर दोज हु आर लाइक ओएलटीज के लिए जा रहा है कोई, अगर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए, सो बेसिकली अगर उसके लिए जा रहे हो तो यू शुड प्रे कि मेरे को कोई सिंपल वर्ड ना आ जाए बहुत ज्यादा, बिकॉज देन यू विल नीड टू नो एटलीस्ट 35-40 डिफरेंट मीनिंग्स। चलो सीज पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे सीज अपॉन, एक ये और एक ये, सीज अपॉन द आइडिया, हिज माइंड सीज अपॉन द आइडिया एंड ही वर्क ही सेट टू वर्क टू सीज अपॉन द आइडिया एंड टू सीज अपॉन बाय पैनिक। इनमें से कोई एक गलत है, क्योंकि सीज अपॉन को एक तरीके से यूज हो सकता है ना। चलो अब इनके मीनिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, सीज अपॉन का मतलब क्या होता है इसमें देखते हैं मिलता है कि नहीं। ओके, आई डोंट हैव सीज अपॉन हियर, कोई बात नहीं। हम रिसर्च इज दिस रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, तुम जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, नाउ यू हैव मोटिवेशन टू फाइंड द आंसर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एंड तुम्हारी डिक्शनरी, तुम्हारा इंटरनेट सब यूज करो। तुम सीखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो। यू आर ट्राइंग बाई सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, तुम अपना होराइजन वास्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम्हारा मीन क्या बोलते, इंग्लिश का लैंग्वेज का जो यूजेज है उसके जो जो पेरिफेरल यूजेज भी है वो तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, सो आई गॉट जस्ट जस्ट गॉट द आंसर, लेट मी शेयर माई 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 रीजनिंग योर। देखो सीज अप का मतलब होता है,
अरे रुको यार, टू बिकम जैम्ड, तो सीज अप का मतलब यहां पे होता है जैम्ड, तो इंजन सीज्ड अप यानी कि इंजन जैम हो गया, जाम हो गया जिसको बोलते हैं, रुक गया, काम करना बंद कर दिया। जो लोग पुरानी, तुमको स्कूटर वगैरह चलाते थे, जिसने अब कोई एक्सपीरियंस है स्कूटर चलाने का, उसमें अगर तेल नहीं डालो तो क्या होता है, हो जाता है इंजन सीज हो जाता है। उसके लिए सही यूजेज क्या है, द इंजन सीज्ड अप, सो इट काइंड ऑफ जैम्ड। सीज अपॉन द एरिया इज करेक्ट, कोई आने वाले चांस का, कोई चांस का, कोई अपॉर्चुनिटी का, फॉरन एकदम जल्दी से। टू सीज अपॉन इज लाइक, तुमने सुना होगा कार्पेडियम, फॉरन फ्रेम है। कार्पेडियम का मतलब होता है टू टेक द मोस्ट ऑफ, टू मेक द मोस्ट ऑफ द डे। तो सीज का मतलब वही होता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर लेना और उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करना, तो ये वाला यूजेज करेक्ट है। द आर्मी हैज सीज कंट्रोल, टू सीज कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को, जगह को घेर के वो अपने कंट्रोल में ले लेना। सो एक आप एक एक फॉरेन टेरिटरी में गए और यू काइंड ऑफ नाउ यू कंप्लीटली वॉश्ड इट ऑफ एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, खत्म हो गई, नाउ इट इज अंडर योर कंट्रोल, सो यू सीज कंट्रोल ऑफ दैट। द क्राउड वॉज सीज्ड अपॉन बाय द करेक्ट इडियम, जो सीज अपॉन बाय, नॉट द करेक्ट, जो द फुल इडियम जो इन्होंने यहां पे यूज किया है, दैट इज सीज अपॉन बाय। तो सीज अपॉन बाय इज नॉट द करेक्ट यूजेज बाय एनी यूजेज, और वहां पे पैनिक के लिए यूज किया जाया, यानी कि उसमें पैनिक ने उनको कंप्लीटली पकड़ के रख लिया, सो दैट इज नॉट द करेक्ट यूजेज, इस तरह से यूज नहीं होता है ये। द इंजन सीज अप हमने ऑलरेडी बात कर ली, इज द करेक्ट यूजेज, दिस इज नॉट करेक्ट। वाइल हमको देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, जो चीज गलत है, जो यूजेजेस गलत हैं, उन उनके ऊपर ध्यान देना हमें ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, आन्या यू करेक्ट, जोरिशा यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यू आर करेक्ट ऑल द टाइम। आई एम सॉरी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच में आई डोंट टेक योर कॉमेंट्स बिकॉज जिस ब्रेक्स माई लिंक्स रादर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्टॉक, सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए तुम्हें, नाउ यू हैव मोटिवेशन, यू हैव अ रीजन कि तुम डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी में मीनिंग्स चेक करो, सो लेट्स स्टार्ट देयर। देख रहे हो मीनिंग्स, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम में कितना पेशेंस है, क्या तुम एक एक मीनिंग देख के उसको वैलिडेट या इनवैलिडेट करने की कैपेबिलिटी, अगर वो भी करना सीख लिया तो दैट्स अ ग्रेट स्किल, नॉट एवरीवन इज एबल टू डू दैट वेरी सक्सेसफुली विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो चलो, टू हैव समथिंग इन स्टॉक, इन स्टॉक कई बार सुना होगा तुमने, ये पढ़ा होगा, बिल्कुल वैलिड यूसेज है, किसी के रेडी स्टॉक में बेचने के लिए जो सामान रखा जाता है उस स्टॉक में होना, ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स इट्स इन स्टॉक। शी इज टू टॉल टू टेक स्टॉक साइजेस इन क्लोथ्स, टू टेक स्टॉक साइजेस इन क्लोथ्स यानी कि स्टॉक साइजेस एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, देखें ऐसा कुछ होता है कि नहीं। एडजेक्टिव वाले मीनिंग देखना है मुझे, स्टॉक रिपीटेड टू ऑफन, रूटीन रेगुलरली एंड वाइडली यूज और सोल्ड, तुमने सोचा होगा स्टॉक वर्जन कार का स्टॉक वर्जन है, यानी कि जैसा कंपनी ने बनाया शोरूम में रख के भेजा, ये वैसी की वैसी कार है, उसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया, पावर नहीं बढ़ाई उसके अंदर मैंने, कोई चार्ज टर्बो चार्जर नहीं लगाया मैंने, उसके अंदर साइलेंसर चेंज नहीं कराया, फ्यूल इंजेक्शन क्या बोलते हैं जेट नहीं चेंज हुआ है, सस्पेंशन चेंज नहीं हुआ है, इट्स एग्जैक्टली लाइक एवरी अदर कार सोल्ड बाई दिस कंपनी। तुम कोई भी एक कार को कंपनी से उठा लो, तुम बेसिकली सारी की सारी एग्जैक्टली सेम टाइप की होती है, क्योंकि सेम ईयर में और सेम टाइम पे आई हुई, सो दैट इज बोलते हैं स्टॉक वर्जन, तो वो वाला वर्जन है ना। तो ये क्या बोल रहा है, शी इज टू टॉल टू टेक स्टॉक साइजेस इन क्लोथ्स, वो इतनी लंबी है,
शी सो टॉल कि उसको स्टॉक साइजेस जो रेगुलरली सोल्ड साइजेस जो होते हैं वो आते ही नहीं है, उसको कस्टमाइज बनवाने पड़ते हैं अपने लिए. सो यू जस्ट कैन नॉट डू दैट. सो इवन दैट इज वैलिड यूसेज. टेक स्टॉक ऑफ योर वर्क सिचुएशन, टू टेक स्टॉक. ओके, ये वाला मीनिंग देखें. ओके, इसके अंदर वो मीनिंग नहीं बताया गया है. प्रॉब्ली आई हैव टू केप द रिसर्च अ लिटिल मोर. सर पार्टिसिपल फॉर्म में यूज नहीं होंगे क्या? सीज्ड पार्टिसिपल फॉर्म में यूज नहीं. राही एग्जांपल दे, यूज इट इन अ सेंटेंस एंड टेल मी व्हाट यू मीन. टेक स्टॉक का मतलब होता है पूरी की पूरी सिचुएशन को ओवरऑल असेस करके देखना कि तुम कितने किस किस पास कितनी सूटेबिलिटी है तुम्हारे पास. देख पा रहे हो, टू टेक स्टॉक इज द इडियम. इसका मतलब क्या होता है? टू केयरफुली थिंक अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट. किसी भी सिचुएशन को असेस करने के लिए ये इडियम यूज हो जाता है. हम आई यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी पहले एज अ लाइक एज 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 अ सेल्समैन वंस. तो वहां पे यू यूज टू टेक स्टॉक, टेक रिपोर्ट बनती थी उसके लिए. सो इसका मतलब वही होता था कि तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, कौन से पार्ट का कौन सा स्टॉक है तुम्हारे पास. यू काइंड ऑफ हैव उसका एक एलैबोरेट चार्ट बनाया जाता था. तो दैट वाज स्टॉक टेकिंग. अगेन दैट इज अ वैलिड यूज. द स्टाफ हैड टू वर्क लेट टू टेक अप स्टॉक. टू टेक अप स्टॉक, टेक अप का मतलब पता है क्या होता है? इसको यूजेज करते हैं ही इज टेकन अप स्विमिंग लेटली. यानी कि उसने क्या किया है, लेटली उसने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया. टू टेक अप इज टू स्टार्ट डूइंग समथिंग. सो द स्टाफ हैड टू वर्क लेट टू स्टार्ट स्टॉक डज नॉट गिव मी एनी ग्लिम्स इन द मीनिंग कि ये कहना क्या चाह रहा है. हेंस दिस इज यूजेज इज इनकरेक्ट. बाय एलिमिनेशन हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि फोर्थ आंसर होगा बिकॉज इट इज इनकरेक्ट. हमने तीनों को वैलिडेट प्रॉपर सोर्सेस से, सिर्फ गट फीलिंग के बेसिस के ऊपर नहीं, प्रॉपर रिसर्च से. नाउ वी नो द वर्ल्ड बेटर, डोंट वी? हमें उसके आसपास पड़े हुए थोड़े से सुपरफिशियल इडियम्स भी पता चल गए, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो भी पता चल गया. दैट इज एन इमेंसली ग्रेट लर्निंग एक्सरसाइज. तुम अगर रोज ये 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर लोगे, अदर देन द लाइक द अदर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैंने कई बार तुम्हें बोला है कि रोज प्रैक्टिस करो, तो दिस विल लाइक इनहांस योर वोकैबुलरी इन अ वेरी वेरी इलेबोरेट एंड डिसाइसिव वे. सिर्फ तुम्हें अनश्योर नहीं रहोगे फिर तुम कि ये वर्ड पता है कि नहीं पता है, तुम्हें उसका एक्चुअल यूजेज समझ में आ गया होगा. जोरिशा, मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना क्या? एक बार 2 मिनट पहले जाके फिर से सुनना पूरा एक्सप्लेनेशन. ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग अनदर क्वेश्चन फॉर यू. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये गिव मी अ सेकंड. चलो अब ये वाली एक्सरसाइज जरा तुम खुद करके बताओगे मुझे जो मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने कर रहा हूं. डिक्शनरी देखो, थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं दिमाग, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की कोशिश करो. अगर तुम्हें डिक्शनरी में आंसर नहीं ढूंढता तो फिर वेब पे जाओ, बट फाइंड द आंसर.
ये सारे के सारे वर्ब मीनिंग है, राइट है। तुम सबसे पहले ये चीज देखो कैसे इन टैंडम सारी की सारी स्किल्स यूज होती है। गॉड द डॉग गेव इटसेल्फ अ गुड स्क्रैच, गुड एडजेक्टिव है। तो आई इस वाले स्क्रैच के लिए मुझे नाउन वाला मीनिंग देखने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज उसके पहले एडजेक्टिव लगा है तो ये नाउन है। आई हर्ड अ सॉफ्ट स्क्रैच, सॉफ्ट अगेन एडजेक्टिव लगा, ये भी नाउन है। वी विल हैव टू स्क्रैच आउट, ये फ्रेजल वर्ब है। दिस वर्क इज नॉट अप टू स्क्रैच, अप टू स्क्रैच इज एन इडियम। सो प्रॉब्ली ये मुझे वेब पे जाके देखना पड़ेगा। अब मैंने तुम्हें इतनी हेल्प कर दी, अब तो कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर। जोरिशा इट्स बेसिकली उस वर्ड के से रिलेटेड इडियम भी गलत यूज हो रहा है। तुमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ऑल तो सही था, लेकिन उसके सामने ऑल टू सून की जगह उसने ऑल द सून यूज कर दिया था। तो ओवरऑल इडियम गलत यूज किया था उस वर्ड से रिलेटेड। इवन दे दो दे विल बी इंक्लूडेड, अगर वो गलत है तो मतलब तुम उस वर्ड से रिलेटेड जो इडियम है वो गलत यूज कर रहे हो। अमर सेज द क्वेश्चन इज वन, ओके ऑप्शन नंबर वन गलत है, गलत बोल रहा है ना अमर। लेट्स सी, नाउन मीनिंग देख रहे हैं। एन एब्रेडेड एरिया वेर द स्किन इज टॉर्न और वर्न ऑफ, अ डिप्रेशन स्क्रैच और कार्व्ड इन टू अ सर्फिस, अ कॉम्पिटिटर, अ लाइन इंडिकेटिंग। ओके मुझे सबसे ज्यादा अब नॉट अप टू स्क्रैच गलत लग रहा है, मैं एक बार देखना, मैं लेट मी डू माय ओन बिट हियर। स्क्रैच आउट या तो वो गलत है या अप टू स्क्रैच गलत है। ओके सो आई हैव द आंसर, लेट मी शेयर माय फाइंडिंग्स। अप टू स्क्रैच इज करेक्ट, मतलब नॉट अप टू द मार्क इज सिंपली द मीनिंग। अप टू स्क्रैच का मतलब ये हुआ गुड इनफ, एज गुड एज एक्सपेक्टेड और वांटेड, यूजुअली यू यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि दिस इज नॉट अप टू स्क्रैच समथिंग। हर परफॉर्मेंस वॉजेंट अप टू स्क्रैच, यानी कि जैसा एक्सपेक्टेशन था उतना उस पर खरी नहीं उतरी। सो दिस इज करेक्ट। वी विल हैव टू स्क्रैच आउट द इंजर्ड हॉर्स फ्रॉम द रेस, मेरे को मीनिंग ये समझ में आ रहा है सेंटेंस का कि रेस में से ये जो इंजर्ड हॉर्स है उसको लाइक वील हैव टू एलिमिनेट हिम, वील हैव टू टेक हिम आउट ऑफ द रेस। स्क्रैच आउट उसके लिए यूज होता है कि नहीं होता है देखते हैं एक बार। इट कम्स डाउन के स्क्रैच आउट इस तरह से यूज नहीं होता है। स्क्रैच आउट का मतलब होता है टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू समथिंग, टू ड्रॉ लाइन थ्रू समथिंग दैट इज रिटन डाउन। स्ट्राइक थ्रू देखा होगा तुमने, स्ट्राइक थ्रू तुमने अंडरलाइन, इटैलिक्स, बोल्ड लाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या दूसरे वर्ड एडिटिंग डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यू राइट समथिंग एंड देन यू पुट अ लाइन अक्रॉस इट टू मेक इट इंपॉर्टेंट और टू काइंड ऑफ लाइक तुम्हें ये बताने के लिए कि मैंने ये काट दिया है, उसकी जगह चेंज किया है। सो इफ आई से इफ आई वर टू पुट डू दिस, दिस इज कॉल्ड अ स्क्रैच आउट और अ स्ट्राइक थ्रू। सो ये वाला मीनिंग में यूज होता है विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू जो हमने जिस तरह से यूज किया है। सो आई हर्ड अ सॉफ्ट स्क्रैच, अमर द डॉग गेव इटसेल्फ अ गुड स्क्रैच तो सही है ना, इच को सेटिस्फाई करने के लिए दी एक्शन उसको नाउन की तरह यूज किया गया है। सो डोंट स्क्रैच योर सेल्फ, एक तरीका ये हो गया। एंड द डॉग गेव इटसेल्फ अ गुड स्क्रैच, यानी कि अच्छे से उसने बैठ के अपने आप को खुजली की। सो दैट इज वॉट द मीनिंग इज, दैट इज अ करेक्ट यूजेज। तुम डिक्शनरी में देखोगे तो कॉज उसका मतलब ही वही था, फर्स्ट द वेरी फर्स्ट मीनिंग डू यू रिमेंबर, कॉज फ्रिक्शन।
अ हार्श नॉइज मेड बाय स्क्रेपिंग, दिस इज व्हाट द मीनिंग यहाँ पे फिट हो रहा है. द डॉग गेव इटसेल्फ अ हार्श नॉइज मेड बाय स्क्रैपिंग, मतलब दैट काइंड ऑफ स्क्रैच इज लाइक, तुम्हें सुनाई दे रही थी वो वाली आवाज. तो ये वाला यूज भी सही है, ये वाला यूज भी सही है. आई हर्ड अ सॉफ्ट स्क्रैच, अगेन ग्रेटिंग नॉइज, अ स्क्रैचिंग नॉइज इज वॉट इज मेंट हियर. दिस इज आउट ऑफ वोग, दिस इज नॉट यूजेज, ये स्टैंडर्ड यूजेज नहीं है, हेंस दिस इज द आंसर. आई होप इट इज क्लियर. अमर इतना ज्यादा नहीं होते कॉन्शियस यार, चलता है. आई होप, चलो एक क्वेश्चन और करते, लेट्स डू वन मोर. आई थिंक लो तुम लोगों को मजा आ रहा है. चलो इसका मीनिंग अब तुम मुझे बताओ. मैंने तुमको इतनी हेल्प में कर देता हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें ये डायरेक्ट कर दूंगा कि कहां पे तुम्हें डिक्शनरी में देख के सिंगल वर्ड का मीनिंग देख के तुम्हें काम चल जाएगा, और कहां पे तुमको एक्चुअली में इडियम का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा. ऑल दो तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम खुद भी ये चीज फिगर आउट कर सकते हो. ही विल टर्न 21, सो ये तुम्हें डिक्शनरी में मिल जाएगा. ही सेड गुड बाय टू ईच मेंबर ऑफ स्टाफ इन टर्न्स, ये प्रॉबली तुमको क्या बोलते हैं, अगेन ये भी तुम्हें डिक्शनरी मिल जाएगा. माई हेड स्टार्टेड टू टर्न, ये भी तुम्हें डिक्शनरी मिल जाएगा. हर हर स्टेक वॉज कुक टू अ टर्न, टू कुक टू अ टर्न, ये तुम्हें इडियम के फॉर्म में देखना पड़ेगा. सो ये तीन डिक्शनरी मीनिंग्स हैं. प्रॉबली इसके लिए तुम्हें इडियम के लिए वेब पे जाना पड़ेगा. बताओ आंसर क्या है. जोरिश इज ऑलवेज योर कॉल बड़ी. आई एम एनीवेज डन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके फोर्थ इज करेक्ट, शी सेज फोर्थ इज करेक्ट, हिमांशु सेज सी इज रॉन्ग. नॉट रियली, इनफैक्ट मुझे यहां पे मैंने गलत टिक्स भी नहीं लगाने चाहिए थे मुझे. ओके टू टर्न 21, ये तुम्हें पता है, कोई किसी की मतलब उम्र जो अभी रिसेंटली उसने या होने वाली है, ही टर्न्स 20 ऑन ऑन केवल टुमारो, तो वो 20 साल का हो जाएगा. दैट इज एन इडियम दैट यू यूज, दैट्स करेक्ट. ही सेड गुड बाय टू ईच मेंबर ऑफ स्टाफ इन टर्न्स, मैंने उस टाइम भी क्या बोलते हैं इसको एम्फेसाइज करके बोला था, इन टर्न्स नहीं होना चाहिए, इन टर्न होना चाहिए. डिक्शनरी का मीनिंग देख के बताता हूं, रुको मैं तुम्हें, लेट मी काइंड ऑफ ब्रिंग आउट द इडियम इन फ्रंट ऑफ यू.
यार, चेंज ओरिएंटेशन और डायरेक्शन, ऑल राइट, आई गॉट द आंसर बट पीपल, ही विल टर्न 21 ऑन संडे इज करेक्ट, इवन दिस इज करेक्ट. मैं गलत सोच रहा था, मैंने बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट मीनिंग इन रिटर्न वाला मीनिंग सोच रहा था मैं, बट यहाँ पे उसको मैंने ये वाला चीज ईच मेंबर स्टाफ को मैंने इग्नोर मार दिया था. इसका मतलब है बारी बारी से. सो इन टर्न्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट. माई हेड स्टार्टेड टू टर्न इज नॉट द करेक्ट यूजेज. इसका मतलब ये होना चाहिए था माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन इज द करेक्ट इडियम, एंड हर स्टेक वॉज कुक टू अ टर्न. इसका मतलब होता है फॉर द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम. सो विच वन इज इनकरेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट एंड हेंस द आंसर. ओके, आन्या लेट मी शेयर. अच्छा बेसिकली किस चीज के ऊपर आन्या, किस चीज पर डिसाइड कर रहे हो ये? एक्सपीरियंस पे साउंड सही नहीं कर रहा. चेक अगेन, जब ऐसा हो रहा है तो दैट्स लाइक हमारा जो ईयर है उससे अपने कान को वैलिड आर्ग्यूमेंट मत बनाया करो. वी आर इंडियंस, हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. सो सिर्फ कान से सुन के जज करना इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हमारे आसपास लोग जो बोलते हैं. हमारे आसपास जो भी कोई गलत भी बोलेगा तो हम उसको सही मानने लगेंगे, अनलेस यू लाइक एक्चुअली चेक द एक्चुअल सोर्सेस. और तभी तो हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो हमको सब पता ही है. फिर ऐसे तो हमें सब पता है, बट वाई डू वी गो रॉन्ग देन? बिकॉज देर कहीं ना कहीं हम मीनिंग मिस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. द आंसर टू द क्वेश्चन के सर वो क्लोज ऑप्शन पता नहीं क्यों समझ में नहीं आते, इज द आंसर इज बिकॉज हम कहीं ना कहीं उसका छोटा सा मीनिंग मिस कर रहे हैं. लेट मी शेयर. दिस आई थिंक इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, वेरी अप्रोप्रिएट आई थिंक. ओके, सो आई विल गिव यू द टू सेंटेंसेस इस तरह से. ओके, इन रिटर्न एज अ बैक, एज 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 अ बैकलैश, बैकलैश एक्शन, और इन टर्न्स को इस तरह से यूज करते हैं. इट्स योर टर्न, इट्स माई टर्न, वो वाला मीनिंग है सेकेंड वाला. द स्विच कंट्रोल्स द वेल्व विच इन टर्न कंट्रोल्स द फ्यूल सप्लाई. आई होप सेंटेंस का मीनिंग इज वेरी वेरी लाइक अपने आप से क्लियर है. वी इंजॉयड ड्राइविंग द अबैंडन्ड कार, हमें रास्ते में कार मिली एंड देन वी एंजॉयड कार ड्राइविंग द कार इन टर्न्स, यानी कि वी टुक टर्न्स ड्राइविंग इट वन बाय वन. आई होप द मीनिंग इज क्लियर. सो इन टर्न इज एंड इन वॉज करेक्ट, वहां पे इन टर्न्स वॉज करेक्ट. इज इट क्लियर? एक मिनट सर, ओनली वन क्वेश्चन दैट आई टुक दैट ट्राइल क्लासेस ऑफ करियर लॉन्च ऑफ अ क्लैट प्रिपरेशन, बट एट दे दैट दे ओनली टोल्ड इजी कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश.
which we already knew, but it is different here. Why is this so? Multiple reasons, Jorisha. If it is like a small, like an unpaid class, तो वो ऑब्वियसली तुमको जो मेन कंटेंट होगा वो तुम्हारे साथ इतनी जल्दी शेयर नहीं करना चाहेंगे. दे वुड वांट यू टू बाय इट एंड देन दे विल ब्रिंग इन द रियल डील. दूसरी चीज ये हो सकती है कि हाँ वो बात गलत नहीं है. देखो हम भी सिंपल कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि हम हमारी मेथडोलॉजी ये है कि हम सिर्फ बेवकूफों की तरह वो वही वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते रहते जो हमको एग्जाम में आता है. मतलब फॉर वॉन्ट ऑफ अ बेटर वर्ड, हम लकीर के फकीर नहीं है. हम बेसिकली हम अपने आप को प्रैक्टिस कराते हैं, हम चैलेंज करते हैं, अलग अलग वैरायटी लेके आते हैं बिकॉज इट रिमेन्स इंटरेस्टिंग. एंड अगर हमारी कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस हमारा अच्छा है एंड वो रीडिंग से कहीं ना कहीं अटैच हो गया है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन टाइप में वी शुड बी एबल टू डू वेल. हाँ उसमें हम टाइमिंग मैटर नहीं करते. देखो एक एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, जिस भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन टाइप आता है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें 10-15 सेकंड लगने चाहिए. लेकिन हम ऐसी कोई लिमिटेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करते. हम क्वेश्चन को सिर्फ एक बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड या फिर एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हमको जो वर्ड सीखे, हमने जो इडियम सीखे वो याद रह पाए. सो इट्स बेसिकली जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है, बट इन डेमोज एंड ट्रायल्स ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि इंसान पहले सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा देगा. He'll make them make you thirsty enough, and when you buy for the program, probably then they'll open the real packages. All right, guys. So I hope this was helpful. मुझे बहुत मजा आया सेशन करके. Very soon we'll be having a special class on this too. या इसका second part जो होगा, I'll bring it to you very soon. कुछ batches के बारे में बता दूं. Law entrance का master law is like all state entrance examination. English batch है. आज से ये start हो चुका है. तो get the details if you've not already. एनएलयू एलुमनाई स्पेसिफिक बैच फॉर 23 एस्पिरेंट्स, ऑल इंग्लिश बैच, 1 ईयर का बैच है स्टार्टिंग जनवरी 28. ये प्लीज, ये जो 15 दिन का यूलैट है और हर हफ्ते होने वाला वीकली T20 टेस्ट, इनको इग्नोर मत करो. जिस भी कंडीशन में हो, प्रेपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, इनके साथ बैठो. फिर जब तुम एग्जामिनेशन का पेपर आ जाता है तुम्हारे पास, उसको बैठ के एक्सप्लोर करो और आंसर करो. कंटेंट में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट नजर आया तो उसे रिपोर्ट कर दो. बग्स बाउंटी अलाउज यू स्मॉल प्राइज फॉर एवरी टाइम यू करेक्टली फ्लैग एनीथिंग विच इज रॉन्ग, एंड फॉर अस कॉन्टेंट बेटर होता जाएगा, मोर रिफाइंड होता जाएगा. मेरा कोड याद रखना, दोनों तीनों चीजें याद देना. आज 27 जनवरी है. प्लीज अगर आज इफ ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन पैकेज. आज मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे तुमको. रिमेंबर माई कोड, दैट इज 0001. उसको मत भूलना. एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा उससे तुमको. इसके अलावा अगर उसके बाद इफ यू नॉट एबल टू डू दिस टुडे, प्लीज फर्स्ट स्टेप से पहले ट्राई टू बाय अ सब्सक्रिप्शन, बिकॉज उसके बाद प्राइसेस हाइक हो सकते हैं एंड देन यू विल प्रॉब्ली लाइक फील वेरी बैड कि यार मैं पहले ले लेता तो, एंड कंप्लीटली लाइक वो तुम्हें बहुत ज्यादा फिर डिमोटिवेट कर देगा. ऑल राइट गाइज, सो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मार जाना. तुमने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड यू डोंट मिस आउट ऑन एनी क्लासेस. आई विल कीप ब्रिंगिंग इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल डिस्कशंस लाइक दीज टू यू. हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज टेक केयर. Thank you, Anya.